जिन पैसे खिदमत है आपका मेज़बान शमसुल आरफिन अंसारी एक नए वालों के साथ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो, हमारे लिए भी दुआ करें। तो नाज़िन आज हम आए हैं महबूब साहब बियाबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बारगाह में जो चुनार से थोड़ा आगे पड़ती है 10-15 किलोमीटर दूर, तो यहीं से वो आने का रास्ता है और आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे एक पेड़ है जिसकी करामत है, सरकार के बिल्कुल रोज़े के बगल में एक पेड़ है जिसकी करामत है, जिसके पेड़ में जो है तो पत्थर निकला हुआ है, काफ़ी बड़ा बड़ा भोट है समझ लीजिए, और वो पत्थर जो है तो बहुत ऊपर तक जाता है और काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो लोग आते हैं वहाँ पे, उस पेड़ के छांव में जो है तो बैठते भी हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको, वो पेड़ बिल्कुल रोज़े के बाजू में है, बिल्कुल मेरे सामने ही दरगाह है, मैं आपको दिखाता हूँ। यही दरगाह है सामने, और आपका नाम है महबूब साहब यानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये बहुत खूबसूरत रोज़ा है, चारों तरफ देख सकते हैं इसके पहाड़ है। और ठीक इसके बगल में जो है तो एक पेड़ है जो दिख रहा है आपको, उसी पेड़ में जो है तो पत्थर निकला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और भी मज़ार है यहाँ पे, ये देख सकते हैं इधर एक रोज़ा बना हुआ है नीचे, और नीचे नदी है, काफ़ी दूर दूर तक देखिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो है तो मरम्मत का काम चालू है, रास्ते बन रहे हैं और दरगाह के आजू बाजू कुछ रूम बन रहे हैं, जो बनारस के ही कई लोग हैं जो है तो टाउन करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे काम चालू है और बाथरूम बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें, पहले से पानी नहीं था तो पानी का बोरवेल भी कराया गया है, तो जो लोग टाउन करते हैं टाउन से ही जो है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बन रहा है, जो भी बन रहा है इंशाल्लाह आगे भी। यही देखिए वो पेड़ है, दिखाता हूँ आपको इसमें पत्थर लगे हुए कैसे। ये देखिए पत्थर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे पत्थर निकले हैं। बहुत सारे पत्थर निकले हुए हैं ऊपर तक, ये देखिए काफी बड़ा बोट है। ये देख सकते हैं पूरे अंदर पत्थर, ये बिल्कुल रोज़े के बाजू में है, सरकार की समझ लीजिए करामत है। और काफ़ी पत्थर थे जो है तो निकाल दिए, क्योंकि गिरने की वजह से वो गिर भी सकता है, इसके लिए काफ़ी पत्थर निकाल। मेरे पीछे रोज़ा है, तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चुनार दरगाह। तो यहाँ की करामत है, जो मैं जा रहा हूँ चुनार दरगाह पे, आपने पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो देखा होगा, तो जो चुनार दरगाह है, चुनार के बाबा साहब ने ही कासिम शाह सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार को भेजा था यहाँ पे, तो अपने 5 मुरीदान के साथ भेजा था, उसमें महबूब साहब याबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे। तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था, तो किसी ने उनको यहाँ पे पकड़ लिया और जो है तो उनके टुकड़े टुकड़े करके जो है तो कुएं में फेंक दिया था। तो जब कई रोज़ हो गया कासिम साहब सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला के पास जब आप नहीं आए, तो आपने जो है तो जब कई रोज़ हो गया तो आप आए नहीं, तो कासिम साहब सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको आवाज़ दिया, पहली आवाज़ दी, दूसरी आवाज़ दी, तीसरी आवाज़ में आप आए, तो कासिम साहब सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला ने आपसे पूछा कि आप कहाँ थे, मैंने कितनी बार आपको आवाज़ दिया। तो सरकार ने बताया कि जब पहली बार आपने आवाज़ दिया तो मेरा धड़ जो है तो जुड़ना चालू हुआ, जब दूसरी आवाज़ दिया तो मेरा धड़ जुड़ के पूरा हो गया, फिर जब तीसरी आवाज़ दिया तो मैं आपके सामने आ गया, तो उनका शरीर जो है तो पूरा कट के अलग हो चुका था उनके धड़ से, और जब कासिम साहब सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला ने आवाज़ दिया तब उनका जो है तो धड़ जुड़ना शुरू हुआ, जुड़ के उनके पास पहुँचे, तब उन्होंने यहाँ पे उनको भेजा और कहा कि आप यहाँ पर जाइए और भटकों को रास्ता दिखाइए। तब से ये महबूब साहब बियाबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी वीराने में हैं,
और लोगों को रास्ता दिखाते ही यहीं पे इनका रोज़ा है और बहुत ही खूबसूरत रोज़ा है। हमारी दूसरी बार यहाँ पे हाज़िरी हुई है। तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। ये देखिए यही जाने का रास्ता है और ये सीढ़ी ऊपर से ही रोज़ा है। हम गुलामान अहमद रजा है, हर कोई भी हमसे जी।